नमस्कार विद्वान साथियों, रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले अध्यापक तथा अध्यापिकाओं का लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, रीट एग्जाम के लिए लाइव क्लास प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन नेट प्रॉब्लम होने के कारण से ये संभव नहीं हो सका। साथियों, लाइव क्लास से भी बेहतर अध्यापन करवाया जाएगा। रोज संस्कृत की दो वीडियो अपलोड की जाएंगी। प्रथम वीडियो में संस्कृत व्याकरण के नियमों के विषय में जानेंगे तथा दूसरे वीडियो में संस्कृत के नियमों के प्रयोग के विषय में जाने। यदि आप दोनों वीडियो अनवरत रूप से देखते हैं तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं रीट एग्जाम का प्रथम अध्याय, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा संस्कृत शब्द कैसे बना? सम उपसर्ग क्री धातु तथा कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का तैसीस रहता। सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। संस्कृत को मूल भाषा भी कहते हैं। मूल भाषा प्राचीन भाषा भी कहते हैं। कि हमारी प्राचीन भाषा क्या है? हमारा उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत के पर्याय शब्द हैं भारती, सुरवाणी, देववाणी। इनके नाम से भी संस्कृत को जानते हैं। संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। सर्वासाम भाषा नाम जननी का प्रश्न पूछ लिया जाता है। सर्वासाम भाषाणाम जननी का, सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो हमारा उत्तर होगा साथियों, संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट है भाषा। भाषा साथियों भास धातु से बनी है। भास धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। भास का मतलब होता है साथियों बोलना। भास का मतलब बोलना। भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा हम ऐसा भी कह सकते हैं। बोली जाती है जिसके द्वारा वह भाषा अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिसको माध्यम बनाते हैं, जिसको साधन बनाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने के साधन या माध्यम को भाषा कहते हैं। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। प्राचीन भाषा है, मूल भाषा है। संस्कृत शब्द समोपसर्ग क्री धातु तथा कत प्रत्यय से बना है। कत प्रत्यय का तैसीस रहता है। आगे साथियों जानते हैं, संस्कृत व्याकरण की दो परंपराएं हैं। संस्कृत व्याकरण
कि दो परंपराएं प्रथम बृहस्पति परंपरा जिसको का तंत्र भी कहते हैं का तंत्र, नंबर दो माहेश्वरी परंपरा बृहस्पति परंपरा जिसको कातंत्र भी कहते हैं, नंबर दो है माहेश्वरी परंपरा। तो बृहस्पति परंपरा में संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा जी को माना गया है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र की आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा को माना गया है, अर्थात ब्रह्मा ने व्याकरण की रचना करके बृहस्पति को बताया। ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण की रचना करके किसको बताया? बृहस्पति को। बृहस्पति ने इंद्र को बताया, इंद्र ने यम को, फिर रुद्र को, फिर वरुण, वायु आदि। इस प्रकार से बृहस्पति परंपरा। तो प्रथम व्याकरण किसे माना गया है बृहस्पति परंपरा के अनुसार? प्रथम व्याकरण अर्थात व्याकरण को जानने वाला, प्रथम व्याकरण व्याकरण को जानने वाला इंद्र को बताया गया, इंद्र। और प्रथम वक्ता बृहस्पति, प्रथम वक्ता बृहस्पति को बताया गया। तो इस प्रकार बृहस्पति परंपरा को कातंत्र भी कहते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण की रचना करके बृहस्पति को बताया। बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने यम को, यम ने रुद्र को, रुद्र ने वरुण को और वरुण ने वायु को बताया। प्रथम व्याकरण व्याकरण को जानने वाला इंद्र, प्रथम वक्ता बृहस्पति थे। अब नेक्स्ट है साथियों माहेश्वरी परंपरा। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि जी ने भगवान शंकर की आराधना की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू को बजाया था। 14 बार डमरू को बजाने से 14 माहेश्वर सूत्र निश्चित हुए थे, इसलिए इस परंपरा को माहेश्वरी परंपरा भी कहते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों को ग्रहण करता कौन थे? 14 माहेश्वर सूत्रों को ग्रहण करने वाला कौन था साथियों? पाणिनि। पाणिनि, इसलिए माहेश्वर परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी बोलते हैं। पाणिनीय परंपरा, पाणिनीय पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। साथियों 3 मुनि हुए हैं, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। इनको मुनि त्रय कहा गया है। कितने मुनि? मुनि त्रय है। प्रथम पाणिनि,
नंबर दो साथियों, कात्यायन। नंबर तीन पतंजलि। ये तीन मुनि हुए हैं। कात्यायन को वर रुचि भी कहा गया है, वर रुचि। कात्यायन इनके गोत्रज नाम है और इनका असली नाम क्या है? वर रुचि, वर रुचि है। पाणिनि जी का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है और वर रुचि कात्यायन जी का समय 350 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है, 200 ईसा पूर्व माना जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम प्रथम मुनि पाणिनि जी के विषय में जानते हैं। कहा जाता है कि प्रथम या प्राथमिक मुनि कह कथे थे। प्रथम मुनि या प्राथमिक मुनि किसे कहा गया है? तो हमारा उत्तर होगा साथियों, पाणिनि। पाणिनि जी का समय 500 ईसा पूर्व, कात्यायन वर रुचि का समय 350 ईसा पूर्व और पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। अब सबसे पहले हम पाणिनि जी के विषय में जानते हैं। पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण में 3995 सूत्रों का प्रयोग किया। पाणिनि के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि अष्टकम भी कहते हैं। अष्टाध्यायी को पाणिनि अष्टकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणिनि पाणिनि अष्टकम भी कहते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो इस प्रकार से 8 × 4 तो 32 पाद हो गए। कितने पाद हुए साथियों? 32 पाद हो गए। पाणिनि जी ने 3995 सूत्रों का निर्माण किया। पाणिनि जी ने 3995 सूत्रों पर कार्य किया। पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है, सूत्रकार कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूत्रकार है के कथ्य थे, सूत्रकार है के कथ्य थे, सूत्रकार किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा साथियों, पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। इसमें द्विगु समास है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। क्या? अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। तो फिर से देखते हैं साथियों, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। इस प्रकार 8 × 4 32 पाद हो गए।
3995 सूत्रों का इन्होंने प्रतिपादन किया, निर्माण किया, जिनके ऊपर कार्य किया उन्होंने। इसीलिए पाणिनी जी को सूत्रकार कहा जाता है। सूत्रकार के कथित सूत्रकार किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा साथियों पाणिनी। अष्टाध्यायी को पाणिनी अष्टकम भी बोलते हैं। अष्टाध्यायी मीन्स अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, इसमें द्विगु समास है। पाणिनी जी ने अष्टाध्यायी में 7.25 अध्याय, प्रारंभिक 7.25 अध्याय सपाद सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं और अंतिम 3 पाद को त्रिपादी के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक 7.25 अध्याय, प्रारंभिक 7.25 अध्याय सपाद सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं और अंतिम 3 पाद त्रिपादी के नाम से जानते हैं। त्रिपादी जो क्या है, असिद्ध है, असिद्ध जो असिद्ध है। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में पहला सूत्र, प्रथम सूत्र कौन सा है, प्रथम सूत्र पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र वृद्धि आदेश, वृद्धि रादेश ये सूत्र है। और अंतिम सूत्र क्या साथियों, अंतिम सूत्र है वृद्धि रादेच का हम विच्छेद करते हैं तो साथियों लिखेंगे वृद्धि आत धन एच, ये हुआ। तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में पहला सूत्र वृद्धि रादेच, जिसका संधि विच्छेद करते हैं वृद्धि धन आद धन एच, और अंतिम सूत्र एच। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, शब्दानुशासन। पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को शब्दानुशासनम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पाणिनि जी के जन्म के विषय में जानते हैं। तो पाणिनि जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के शिलातुर गांव में हुआ था। पाणिनि जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के शलातुर गांव में हुआ था। शलातुर गांव में हुआ था। पाणिनि जी के पिता का नाम पणिन था, पणिन। माता का नाम दासी और गुरु उपवर्ष थी, उपवर्ष। पाणिनि जी ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। पाणिनि जी का एक और ग्रंथ है पाताल विजय, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पाणिनि जी के विषय में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। अब नेक्स्ट मुनि है साथियों कात्यायन। कात्यायन को हम वर रुचि भी कहते हैं। कात्यायन जी को वर रुचि भी कहते हैं। कात्यायन का गोत्रज नाम का कात्यायन है और असली नाम इनका
वर रुचि है, असली नाम वर रुचि है। कात्यायन को वर रुचि भी कहते हैं, वर रुचि। ये गोत्रज नाम है, ये इनका असली नाम है। समय जाने तो 350 ईसा पूर्व पाणिनि जी ने तीन हजार 995 सूत्र लिखे। कात्यायन ने 1500 सूत्रों पर, पाणिनि जी के 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 तक वार्तिक लिखी। चार हजार से पांच हजार के बीच में वार्तिक लिखे। साथियों प्रश्न पूछा जाए तो 4000 से 5000 के बीच में यदि उत्तर आता है तो हमें ये उत्तर लिखना है, और केवल 4000 ही आता है तो हमें 4000 लिखना है। जैसे प्रश्न में 3000 लिख दिया, 4000 लिख दिया, 3500 लिख दिया, 3700 लिख दिया, तो हमारा उत्तर ये होगा। तो ये हमें ध्यान रखना, और 4000 नहीं दिया हुआ हो, 4000 से 5000 के बीच में दिया हुआ है तो आंसर हमारा ये होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कात्यायन जी ने स्वर्गारोहण नामक ग्रंथ की रचना की थी। स्वर्गारोहण कात्यायन जी ने वार्तिक क्यों लिखी? कात्यायन जी के वार्तिक लिखने का मुख्य उद्देश्य पाणिनि जी के सूत्रों में संशोधन तथा परिवर्धन करना था, कात्यायन जी को स्मृतिकार भी कहते हैं, स्मृतिकार, और वार्तिककार भी कहते हैं, वार्तिककार। तीसरे मुनि हुए साथियों पतंजलि, जिनका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है, 200 ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि को भाष्यकार भी कहते हैं, भाष्यकार भी कहते हैं, क्योंकि पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा है। तो पतंजलि की तीन रचनाएं हैं। पहली रचना है पातंजल योग सूत्र, दूसरी रचना साथियों महाभाष्य, तीसरी रचना है चरक संहिता, पतंजलि को फणिभृत भी कहा जाता है, फणिभृत या अहिपति, इन नामों से भी जानते हैं, फणिभृत या अहिपति के नाम से भी जानते हैं। पाणिनि जी की मां गोणिका शंकर भगवान की आराधना कर रही थी, तो जल में जब ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी तो उनके हाथों में एक सर्प का बच्चा आ गया था। कुछ ही क्षणों में सर्प का बच्चा बच्चे के रूप में परिणित हो गया था। सती गोणिका ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, बड़ा हुआ। इस प्रकार से उनका नाम फणिभृत तथा अहिपति भी के नाम से भी उनको जानते हैं। पतंजलि की जो महाभाष्य नामक ग्रंथ है, इस महाभाष्य नामक ग्रंथ पर कयट, नागेश तथा भर्तृहरि ने टीकाएं लिखी। महाभाष्य नामक ग्रंथ पर कयट,
नागेश तथा भर्तरी हरि टीकाएं लिखी, टीकाएं लिखी। महाभाष्य पर कहिए नागेश और भर्तरी हरि ने टीकाएं लिखी। नेक्स्ट है साथियों सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की थी। मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना आचार्य वरदराज ने की थी और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना आचार्य वरदराज ने की थी। सबसे पहले सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने की थी। नंबर दो है मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी साथियों आचार्य वरदराज ने। नंबर तीन लघु सिद्धांत कौमुदी जिसका हम वर्तमान में अध्ययन करेंगे, बीए तथा एमए के कोर्स में लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करवाया जाता है, तो इनके भी रचयिता आचार्य वरदराज जी। तो साथियों हमने संस्कृत भाषा की सामान्य जानकारी प्राप्त की, संस्कृत भाषा की मुनि त्रय के विषय में जाना। अब कल से हम वर्ण के विषय में जानेंगे। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।